अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। और ये जो वीडियो आज अपलोड करने जा रहा हूँ, ये मेरे शागिर्द हैं जिल्म के, अल्लाह पाक इनको मज़ीद शिकार और तरक्कियाँ दे। और ये सवाद तालाब पे गए थे और इनको अच्छा शिकार हुआ वहाँ से। तो वहाँ के लिए जो मैनुअल चीज़ें मैंने देखी हैं शिकार के हवाले से, वो ये हैं कि वहाँ पे आटा वगैरह आप जो मर्जी खेल लें, जो नैन के लिए या रोहू के लिए आप खेलते हैं आम रूटीन में, हर बंदे का अपना नुस्खा होता है। तो ये है कि उसके साथ में दो तीन चीज़ें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि आपको जो वहाँ शिकार के लिए जा रहे हैं भाई शिकारी, क्योंकि काफ़ी लोग मेरी वीडियो वगैरह देखते हैं, कुछ लोगों ने मुझसे मालूमती तौर पर कॉल वगैरह पर भी पूछा है कि वहाँ पर हम जा रहे हैं, आपकी वीडियो देखी है। तो उस हवाले से मैं बताना चाहूँगा कि आप वहाँ पे जाते हैं जब, दो तीन चीज़ों जो है उनमें गौर फरमाएं। एक तो ये है कि आप वहाँ पे अगर चले जाते हैं आपको कोई पॉइंट वगैरह नहीं मिलता, तो घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आप उसके लेफ्ट राइट में या कहीं और जगह पे जाके आप तलाश कर सकते हैं, पॉइंट बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और पॉइंट ज़्यादा होने की मेन वजह यही है कि शिकार दूर नहीं है, मसलन आप जो बूटी है उसके बिल्कुल करीब खेलेंगे और बिल्कुल बूटी के साथ, जो लोग ज़्यादा जो है ना आसानी से अगर लमडोर पे खेल सकते हैं, लमडोर खेलें वहाँ के लिए, लमडोर जो है ज़्यादा बेहतर है रॉड की बनस्बत, ठीक है। तो एक तो रॉड डोर की जो है परफेक्ट तरीके से आप उस बूटी के करीब कास्टिंग कर लेंगे, रॉड की कास्टिंग आप ज़ाहिर आप पीछे करके अगर ऐसे थ्रो करते हैं तो रॉड आप कास्ट करते हैं आम रूटीन से वो लॉन्ग ही जाता है, तो आगे तकरीबन पड़ जाए तो मसला नहीं होता, लेकिन करीब अगर उसे रोकना पड़ जाए तो प्रॉब्लम होती है। काफ़ी भाई मैंने उस दिन देखे जनाब रॉड के साथ वो कास्ट कर रहे थे, लेकिन जैसे वो कास ऐसे फेंकते तो ठक करके या पानी में मारते और या फिर आगे बूटी पे चले जाते तो फिर खींच के उसको जो है वापस करते, तो इस तरह वो रूटीन जो है बरकरार नहीं रहती, बूटी वगैरह भी मिलती है, मछली डिस्टर्ब हो जाती है, लगती है करीब से और बिल्कुल कम पानी से लगती है। तो एक चीज़ आप ये करें, दूसरा चीज़ आप मोटी लाइन इस्तेमाल करें और कांटा 0102 यानी कि मोटा कांटा कोई भी इस्तेमाल कर लें, बड़े कांटे, ठीक है। सिंगल गोली खेलें, गोली पर आपको शिकार ज़्यादा मिलेगा अमरूद के बनस्बत। तो बाकी बच्चे की पोजीशन बहुत तेज़ है, वहाँ पे आप रोटी का टुकड़ा भी खेल सकते हैं, बोरा वगैरह, और इसके अलावा केमिकल वगैरह अगर आप खेलते हैं बनाते हैं तो वो आप खेलें वहाँ पे, वो आपको ज़्यादा फ़ायदा देगा। तो बाकी अगर मछली आपको लग जाती है, तो हमारे साथ ये ट्रेजडी हुई है कि मछली जैसे लगती है वो सीधी बूटी में चली जाती है, रोहू खास करके, नारायण फिर लोग काबू कर लेते हैं, रोहू और चैना जो है ये बूटी में चला जाता है। तो ये है कि उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, अगर वो समझते हैं कि बूटी में चला गया है तो उसका निकालने का सिर्फ एक हल है कि आपके साथ कोई बंदा तैराकी वाला हो, वो पानी में जाके उसको निकाल ले, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। तो बाकी ये है कि कोशिश करें कि जो है ना आप अपने लाइनों डोरों के करीब बैठें, जैसे जो है ना चाल होती है उसी वक्त आप उसको उठा लें और कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन वही बात है कि आपने कांटा भी बड़ा लगाना है, लाइन मोटी होगी तभी आप उसको कंट्रोल कर सकेंगे। अगर आपके पास लाइन छोटी होगी, ज़्यादा चांस जो वहाँ पे आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं जो मेरे शागिर्द वगैरह जाते हैं या और दोस्त जा रहे हैं, वो यही कंप्लेन करते हैं कि डोर जो है वो टूट जाती है बाज़ औक़ात, या बूटी में चला गया दाना जी, या कांटा आगे से उतर गया जी। बस यही कुछ जो है ना अहम मालूमात थी जो मैं आप लोगों तक शेयर करना चाहता था। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, अपने सामान में रखे, जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। और वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसका फीडबैक भी दिया करें। खुदा हाफिज़। वो परली डोरी ना लड़की वो बहुत अच्छी स्लिप हो गया। पूरी वीडियो बना लेते हैं बीच बाद में अंदर ओपन है।
ਬਾੜ ਦੀ ਫੇਰ अस्सलामुअलैकुम। ये उस्ताद अकब शिकारी उस्ताद जी, ये देखे जी माशाल्लाह ग्रुप बैठा हुआ है और बहुत प्यारा मौसम हो गया और डोर पकड़ो माशाल्लाह। ਸ਼ਿਕਾ ਪਕੜਾ ਗਏ ਭਾਈ, ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾਣਾ ਨਿਕਾਲਤੇ ਪਏ, ਨਵੀਦ ਭਾਈ ਸ਼ਿਕਾ ਪਕੜਾ ਰਹੇ ਹੈ। चलो बहुत ही खूबसूरत साइज बहुत अगे ना जान दे बूटी च माशाल्लाह जी माशाल्लाह। ये चीज बंद क्लोज कर दें वीडियो मेहनत रहे नहीं जी। शुरू है ये जी आज का शिकार सुभावे का रोक ला उस आवाज को नहीं जानती फिर। ये जी आज का शिकार है सुहावे का, बहुत अच्छी गेम हुई है। ये नवीद भाई हमारे साथ थे माशाल्लाह, ये हमारे साथ पूरा टाइम दिया इन्होंने। उस्ताद अकब ग्रुप जिंदाबाद